नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। आईपीएल शुरू होने जा रहा है, सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, यानी कि कल आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा। कल 9 अप्रैल है और कल चेन्नई में पहला मैच होगा मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में। लेकिन इससे पहले, यानी कि आईपीएल से ठीक एक दिन पहले, कुछ अच्छी खबरें आईपीएल के हवाले से नहीं आ रही हैं। कुछ और लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, यानी कि कोरोना की रिपोर्ट जिन लोगों की पॉजिटिव आई है उनकी डिटेल हम आपको देंगे आगे। लेकिन उससे पहले एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद ये रिपोर्ट देखिए। आईपीएल में केवल एक दिन का वक्त बचा हुआ है, कल पहला मैच खेला जाना है। लेकिन इससे पहले करीब 14 लोग, जी हाँ 14 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। ये वो लोग हैं जो ब्रॉडकास्टर टीम से जुड़े हुए हैं, जो आप टीवी पर या फिर मोबाइल पर जो घर पर बैठकर के मैच देखते हैं, इसमें वो लोग शामिल हैं जो इसमें कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। उनकी टीम के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए। और ख़ास बात ये है कि ये सभी लोग बायो बबल में रह रहे थे। बायो बबल को हम लगातार जान रहे हैं, जब से कोरोना आया तब से बायो बबल का कॉन्सेप्ट भी आप समझ रहे होंगे, यानी कि जिनकी भी पहले क्वारंटीन में रहते हैं, उसके बाद उनकी कोरोना का टेस्ट होता है। कोरोना का टेस्ट निगेटिव आने के बाद उनको एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहाँ पर सब एक जैसे लोग होते हैं, बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। ऐसे लोगों को कोरोना होने की आशंका बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन इसके बाद भी अब 14 लोगों को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, ये अपने आप में एक खतरे की घंटी है। हालांकि अभी तक बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल को टालने या आईपीएल की तारीख आगे बढ़ाने इसको लेकर के अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी कि कल पहला मैच होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये अपने आप में एक अच्छी खबर नहीं है कि कोरोना को लेकर के 14 और लोग पॉजिटिव आ गए हैं। खास बात ये भी है कि ये जो 14 लोग हैं ये मुंबई में ही रह रहे थे, बायोसिक्योर माहौल में, जहां पर आपको मालूम है कि मुंबई या महाराष्ट्र हम देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रकोप जिन शहरों में है उसमें मुंबई एक है। और मुंबई में ही ये सारे क्रू मेंबर्स, सारे ब्रॉडकास्टर्स टीम के मेंबर थे। और इससे पहले जो आपने देखा कि वानखेड़े स्टेडियम से जुड़े हुए कई सारे लोग, प्लम्बर से लेकर के ग्राउंड स्टाफ तक भी कोरोना की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी, और 3 लोग पहले भी आए थे। इसके अलावा जो मुंबई में जो खिलाड़ी रह रहे हैं उनकी भी कुछ एक की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, चाहे हम अक्षर पटेल की बात कर लें या बाकी जो खिलाड़ी हैं, आरसीबी के जो खिलाड़ी हैं उनकी बात कर लें, कुछ एक खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आए थे। अभी तक जो भी लोग कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, यानी कि 14 लोगों की जो हम बात कर रहे हैं, उन सभी को क्वारंटीन में भेज दिया गया है, आइसोलेशन में भेज दिया गया है। और उसके बाद अब उनकी जो है क्वारंटीन में रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, उसके बाद उनकी दोबारा से कोरोना की रिपोर्ट देखी जाएगी और उसके बाद अगर जो भी रिपोर्ट आती है उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कल आईपीएल का मैच आपको नज़र आएगा होते हुए। पहला मैच जो है वो चेन्नई में हो रहा है, जिसमें मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में आमना सामना होगा। विराट कोहली की टीम एक तरफ होगी और एक बार रोहित शर्मा की टीम से उनका मुकाबला फिर होगा, एक वो टीम जो 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है और एक वो टीम जिसने अभी तक एक भी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम नहीं किया है। तो क्या रहती है कल की प्लेइंग 11 पर भी चर्चा करेंगे, कल हम आपके साथ लाइव भी जुड़ेंगे, तमाम सारे अपडेट्स हम आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन वो सारे रिपोर्ट्स, वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।